कुरान मजीद फुरकान हमीद ने ना जो नबी और उम्मती का ताल्लुक़ बयान किया है वो ये है कि नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, फरमाया ये नबी तो मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा उनके मालिक हैं और ये तो उनकी जानों से भी ज़्यादा उनके करीब है। ये रिश्ता है नबी पाक, ये जो हुजूर से हम प्यार करते हैं ना, और ये जो नबी पाक से हमें मोहब्बत करनी चाहिए, ये सिर्फ शरी ज़रूरत नहीं, शरी ज़रूरत तो है ही ना कि हुजूर ने फरमाया तुम उतनी देर तक मोमिन नहीं बनोगे जितनी देर तक हर चीज़ से बढ़कर मुझसे प्यार ना करो, ये शरी ज़रूरत तो है ही, लेकिन नबी पाक से मोहब्बत करना ये हमारी अकली ज़रूरत भी है, ये हमारे शऊर की ज़रूरत भी है। अगर आप फहम की दुनिया में जाएंगे, अक्ल और दानिश की दुनिया में जाएंगे, तो फिर भी आपकी अकल कहेगी कि मोहब्बत मदीने वाले रसूल से ही करनी चाहिए। और यारो माँ बाप से प्यार करते हैं, उन्होंने एहसान बड़े किए, औलाद से प्यार करते हैं, प्यारी बड़ी लगती है, बहन भाइयों से प्यार करते हैं, रिश्ता करीबी है, ये सारी मोहब्बतें हम करते हैं क्यों? कि इनमें इखलास है, इनमें खलूस है, ये गैर नहीं, ये हमारे अपने हैं। लेकिन याद रखना इन सब से बढ़कर मदीने वाले रसूल हमारे अपने, क्यों? इसलिए कि बहन भाई कभी कभी इखलास छोड़ भी जाते हैं, कभी कभी मुफाद परस्त हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप भी ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं कि जिससे लगता है कि इन्हें भी थोड़ी जेब से दिलचस्पी हो गई, इल्ला माशाल्लाह, सारे नहीं। और बीवी बच्चों के बारे में तो कुरान फरमा चुका है, कुरान ने कह दिया बीवी बच्चों के बारे में कि ये तो बाज़ों का तुम्हारे दुश्मन हो जाते हैं, ये तो कई दफ़ा तुमसे वो काम कराते हैं जो तुम्हें रब रसूल से दूर ले जाए, कुरान मजीद ने फरमा दी। ओ मेरे भाई, जितने अपने कहलाने वाले हैं ये कभी न कभी कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो अपनों वाला नहीं होता। एक ज़ात है मदीने वाले महबूब की, एक ज़ात है तेरे और मेरे रसूल की, कि जिन्होंने करम ही फरमाया है, जिन्होंने फजल ही फरमाया है, जिन्होंने रहमत ही फरमाई। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मेरे गुलामों सुनो, मेरी और तुम्हारी मिसाल तो गोया इस तरह है कि जिस तरह किसी आदमी ने आग जलाई थी तो पतंगे उसमें गिरने लगे थे और उनको बचाता था, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, ये आग है। फरमाया तुम भी जहन्नम की आग की तरफ गिरते हो और मैं तुम्हें सीना बंद से पकड़ पकड़ के खींचता हूँ, और इधर ना जाना जल जाओगे, इधर ना जाना तकलीफ में आ जाओ, मैं तुम्हें खींचता हूं। तो हर रिश्ता किसी न किसी मौके पर बगावत कर सकता है, दूर हो सकता है, वो मदीने वाले महबूब की ज़ात है। जिंदगी संवारने का सलीका भी दिया, सारे कब्र में छोड़ के आ गए और जब आंख खोली तो जलवा वद्दुहा निगाहों के सामने मौजूद था। ये सिर्फ ज़ाते मुस्तफ़ा है, सिर्फ ज़ाते मुस्तफ़ा है, फ़कत ये हुजूर की ज़ाते वाला सिफात है कि मेरे भाई मैज़ान अमल पे गए तो मदीने वाले वहाँ भी मौजूद, पुल सिरात पे गए तो हुजूर वहाँ भी मौजूद, अगर हौज़े कौसर पे गए प्यासे होके तो हुजूर वहाँ भी मौजूद। गोया जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी, जहाँ जहाँ मजबूरी हुई, कई अपने कहलाने वाले मजबूरियों में हट गए, लेकिन दुनिया की परेशानी से लेकर कब्र की परेशानी तक और कब्र की आजमाइश से लेकर जहन्नुम की परेशानी तक जो हस्ती हमारे साथ साथ रहेगी वो हमारे आका और मौला मदीने वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इसलिए अकल का भी तकाजा है कि जिन्होंने कहीं साथ नहीं छोड़ना उनसे प्यार किया जाए, हर जगह जिन्होंने साथ रहना है, जिन्होंने मोहब्बत को निभाना है, उनका कभी भी दामन करम ना छोड़ा जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपकी तबीयत कहती है कि यार इस बंदे ने बहुत उम्दा कहा। मुजफ्फर वारसी ने कुछ बातें की थी बड़ी खूबसूरत, वो कहते हैं कि स्याहियाँ मुझ में, दाग मुझ में, और जलें उसी के चराग मुझ में, असासाए कल्ब व जां वही है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। अब कभी आप अल्फाज के बामोदर पे ना जाएं, आप चाशनी देखें हरूफ की किस तरह की। फिर वो कहने लगे कि मेरे गुनाहों पे उसका पर्दा, वो मेरा इमरोज मेरा फरदा, शऊर भी उसी का वजा करदा, वो मेरा ईमा मेरा तयक्कुन, वो मेरा पैमाना है तमद्दुन। क्या अंदाज है बात करने का, कहने लगे वो मेरा मेयार जिंदगी है क्योंकि मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। कहने लगे वो मेरी मंजिल भी हम सफ़र भी, वो सामने भी पसे नज़र भी, वही मुझे दूर से पुकारे,
और उसी की परछाइयां रूह पर भी, वो रंग मेरा, वो मेरी खुशबू, मैं उसकी मुट्ठी का एक जुगनू। और यारो वो मेरे अंदर की रोशनी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी, वो तो मेरे अंदर की रोशनी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। और फिर कहने लगे, उसी के कदमों में राह मेरी, उसी की प्यासी है चाह मेरी, उसी की मुजरम मेरी खताएं, और उसी की रहमत गवाह मेरी, उसी की मुजरम मेरी खताएं और उसी की रहमत गवाह मेरी। कहने लगे, उसी का गम मुझको साथ रखे, वही मेरे दिल पे हाथ रखे, वो दर्द भी है पर सुकून भी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। उनके दर्द में रोना तो पड़ता है, पर इसी रोने में सुकून है, वो दर्द भी है सुकून भी है, मेरा तो सब कुछ है मेरा नबी है। और फिर कहने लगे, अजल के चेहरे पे नूर उसका, जहूर आलम जहूर उसका, उसी की आवाज गुफ्ताए हक, खुद उसी की तन्हाई तूर उसका, बहुत से आली मकाम आए, बहुत से आली मकाम आए, बहुत से आली मकाम आए, पर खुदा के बाद उसका नाम आए, बहुत से आली मकाम आए, पर खुदा के बाद उसका नाम आए, वो अव्वली है वो आखरी है, मेरा तो सब कुछ है मेरा नबी है। और फिर कहने लगे, ना मुझसे बारे अमल उठेगा, ना उज्व ही कोई साथ देगा, अगर कहेगा तो रोज़े मख्शर खुदा से मेरा नबी कहेगा, स्याहियां दाग साफ कर दे, इसे मेरे मौला माफ कर दे। अंदाज देखिए, कहने लगे, ना मुझसे बारे अमल उठेगा, असी कहने जोगे हाँ सही, ना मुझसे बारे अमल उठेगा, ना उज्व ही कोई साथ देगा, अगर कहेगा तो रोज़े मख्शर खुदा से मेरा नबी कहेगा, स्याहियां दाग साफ कर दे, इसे मेरे मौला माफ़ कर दे, क्योंकि ये मेरा आशिक है वारसी है। थोड़ा सा मुजफ्फर वारसी से माजरत के साथ, ये मेरा आशिक है कादरी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है।